हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शॉलेज। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो आपके बालों की प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर देगा। और ये नुस्खा आपकी बालों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जनरली, जैसे बालों का झड़ना, उनका सफ़ेद हो जाना, असमय सफ़ेद होना इनफैक्ट, और आपको अगर काले घने लंबे बाल चाहिए तो ये नुस्खा आपके लिए काफ़ी असरदार सिद्ध हो सकता है। बट इसके लिए आपको ज़रूरी ये होगा कि आप पेशेंस बना के रखें, बिकॉज़ जनरली क्या होता है, लोग 1-2 हफ्ते लगाते हैं और उसके बाद उनको थोड़ा भी रिलीफ दिखता नहीं है तो वो छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एटलीस्ट 2 से 3 महीने इसको लगाना है अगर आप एक्चुअली में असर देखना चाहते हैं, बिकॉज़ बालों की समस्याएं जो हैं वो बहुत जटिल होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बाल स्वस्थ बने रहें, हेल्दी बने रहें, तो आप इसको कम से कम 2 से 3 महीने लगा के इसका असर देखिए और फिर इसको कंटिन्यू रखिए। तो मैं आपको बताता हूँ ये नुस्खा क्या है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही आसान नुस्खा है, तो इसको आप बड़े आराम से घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमें इसके लिए एक नारियल तेल चाहिए होगा। नारियल तेल मैंने पतंजलि का इस्तेमाल किया है, आप कोई और इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आप करते हो यूज़। इसके अलावा ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं जो मार्केट में बड़े आराम से मिल जाते हैं, तो आप मार्केट से इसको ले सकते हो, बहुत सस्ते मिलते हैं, 2 रुपए के आसपास मिल जाएगा आपको। तो किसी भी मेडिकल शॉप में आपको ये मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से हम बनाएंगे, किस तरह से हम इसको यूज़ तो आइए करेंगे। देखते हैं इस तेल को हम किस प्रकार से, इस नुस्खे को हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम नारियल का तेल ले लेते हैं। तो आप जितना नारियल का तेल अपने बालों को यूज़ कर बालों में यूज़ करते हैं, जितना भी लेते हैं आप, जितना लगाते हैं आप, उतना ही लीजिए। तो मैं जितना यूज़ करता हूँ अपने बालों में, उतना नारियल का तेल मैं ले रहा हूँ, तो मुझे करीब इतना लगता है, तो मैंने इतना नारियल का तेल ले लिया है। आपको जितना जितना आप अपने बालों में लगाते हैं आप उतना लें। और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आप आपके बाल बड़े हैं और आपने ज़्यादा नारियल का तेल लिया है, तो विटामिन ई के 2 कैप्सूल आपको लगेंगे, आपको 2 कैप्सूल इसमें डालने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके बाल छोटे हैं और आपने तेल कम लिया है, तो आपके लिए 1 कैप्सूल काफ़ी रहेगा। तो मेरे बाल छोटे हैं तो मैं 1 कैप्सूल इसमें डाल देता हूँ, और मैंने तेल भी उसी के हिसाब से लिया है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। और विटामिन ई का जो कैप्सूल है, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ये काफ़ी काफ़ी चीज़ों में काम आता है। तो फिलहाल हम इसका यूज़ अपने बालों के लिए कर रहे हैं, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा। तो ऑयल को मैंने विटामिन ई के कैप्सूल के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। देखिए हमारा ऑयल ये रेडी हो गया है, और इस ऑयल को आपको रात में लगाना है और सुबह आप इसको धो सकते हैं। और आप अगर बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो आप इस ऑयल में 2 से 3 चम्मच आप प्याज का रस, जो अनियन जूस होता है, उसको आप मिला लें, और रात में इसको लगाएं और सुबह इसको वॉश कर लें, किसी भी लाइट शैम्पू से आप इसको वॉश कर लें, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे इसके। और आप इसको लगाइए, इसका लाभ उठाइए, और मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप पेशेंस के साथ और एक कमिटमेंट के साथ इसको 2 से 3 महीने यूज़ करेंगे, तो आपको बहुत ही असरदार रहेगा आपके बालों के लिए, आपके बाल बहुत हेल्दी हो जाएंगे और बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि 2-3 हफ्ते लगा के आपको फ़ायदा होगा, तो ऐसी ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है जो बालों की समस्याओं का इतनी जल्दी निदान कर पाए, बिकॉज़ बालों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत जटिल होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी बताइए, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा उठा सके। इस चैनल नॉलेज शॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।